लास्ट वीडियो में हमने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में डिस्कस किया था डिस्कशन इनफैक्ट शुरू किया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम क्या होते हैं वे उपक्रम जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है सरकार का कंट्रोल होता है सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहते हैं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कितनी तरह के हो सकते हैं तीन नंबर वन विभागीय उपक्रम नंबर टू वैधानिक निगम और नंबर थ्री सार्वजनिक कंपनी उसके बाद में हमने सबसे पहले विभागीय उपक्रमों के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था और हमने कहा था कि संगठन का सबसे पुराना स्वरूप है दूसरा ये उपक्रम मंत्रालय के एक विभाग के रूप में स्थापित किए जाते हैं तीसरा ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार या दोनों के अधीन होते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर नोट डाउन किए थे जैसे रक्षा मंत्रालय भारतीय रेलवे भारतीय डाक विभाग ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जिसको कि आयुध डिपो के नाम से भी हम जानते हैं इन सबको विभागीय उपक्रमों के अंतर्गत ही स्थापित किया जाता है अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विभागीय उपक्रमों की परिभाषा और उनकी विशेषताएं सबसे पहले विभागीय उपक्रमों की परिभाषा क्या है इसकी परिभाषा ये वे उपक्रम होते हैं जिनका स्वामित्व प्रबंध तथा नियंत्रण तीन बातें हमेशा हमको याद रखनी है स्वामित्व प्रबंध तथा नियंत्रण किसके पास होता है मंत्रालय और मंत्री के हाथों में होता है हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार या दोनों के हाथों में हो सकता है हम ये भी कह सकते हैं मंत्रालय तथा मंत्री के हाथों में होता है ओके परिभाषा नोट कर लीजिए अब हम डिस्कस करेंगे विभागीय उपक्रमों की विशेषताएं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स सबसे पहली विशेषता स्वतंत्र वैधानिक अस्तित्व नहीं होता जैसे हमने कहा था एकल स्वामित्व एकल स्वामित्व का अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है नहीं साझेदारी का अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है नहीं विभागीय उपक्रमों का अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है नहीं इस तरीके से आपको याद रखना है कंपनी का अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है हाँ तो जो भी किसी कानून के तहत अगर किसी का निर्माण होगा तो उसका अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होगा ये आपको याद रखना है तो इन संगठनों का अस्तित्व पृथक क्यों नहीं होता अलग क्यों नहीं होता क्योंकि ये पूरी तरह मंत्रालय और मंत्री पर निर्भर करते हैं नया मंत्री नई सोच नए नियम नए कानून तो इन संगठनों का अस्तित्व सरकार और मंत्रालय से स्वतंत्र नहीं होता बल्कि पूरी तरह उन पर ही निर्भर करता है इसे नोट कर लीजिए सेकंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट है बजट द्वारा वित्त आपने देखा होगा और नहीं देखा है तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि सरकार बजट पेश करती है और उस बजट में फॉर एग्जांपल अगर हम रक्षा मंत्रालय की बात कर रहे हैं तो उसके लिए अलग बजट पेश किया जाता है मतलब बजट में उसके लिए प्रावधान किया जाता है अगर आप रेलवेज की बात कर रहे हैं तो रेलवे के लिए अलग बजट पेश किया जाता है तो ये जो विभागीय उपक्रम होते हैं इन उपक्रमों के लिए वित्त जो है वो सरकारी खजाने से आता है सरकारी खजाने से जब बजट बनाया जाता है उसमें बताते हैं कि हमारे पास सौ रुपए हैं तो इस सौ रुपए में से पच्चीस रुपए जो है हम रेलवे पर खर्च करेंगे दस रुपए जो है हम रक्षा पर खर्च करेंगे पाँच रुपए हम एजुकेशन पर खर्च करेंगे पाँच रुपए हम हेल्थ पर खर्च करेंगे तो इस तरीके से बजट में से इनके लिए पैसा आता है और वहाँ से इसको खर्च करते हैं तो इन उपक्रमों के लिए जो वित्त है जो पैसा है वो बजट द्वारा सरकारी खजाने से आता है थर्ड पॉइंट नियंत्रण जब सरकार पैसा दे रही है तो डेफिनेटली कौन नियंत्रित करेगा सरकार ही नियंत्रित करेगी तो so, इन उपक्रमों पर सीधे सरकारी मंत्रालय और मंत्री का नियंत्रण होता है मंत्री जी पूरा कंट्रोल करते हैं जैसे उनको पसंद होता है उस हिसाब से काम चलाया जाता है फोर्थ पॉइंट सरकारी कर्मचारी इन संगठनों में इन विभागीय उपक्रमों में रेलवे में और इन डिपार्टमेंट्स में जितने भी लोग काम करते हैं ऑल इंडिया रेडियो में दूरदर्शन में इन सब में जितने भी लोग काम करते हैं वे सभी लोग सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं क्या कहलाते हैं वे सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं फिफ्थ पॉइंट लेखांकन एवं अंकेक्षण लेखांकन एवं अंकेक्षण का मतलब क्या है इनके खातों की जांच जब इनका सरकार इनको पैसा देती है इनके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी कहते हैं इनके ऊपर पूरी तरह सरकार का नियंत्रण है तो ये क्या अपने खातों को अपने हिसाब से जांच लेंगे बिल्कुल भी नहीं इनको अपने खातों को सरकार के नियमों के अनुसार ही जांचना पड़ता है तो इन उपक्रमों का लेखांकन और अंकेक्षण जो सरकारी नियम है उन्हीं के अनुसार होता है जो गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे हैं उन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से इनका नियंत्रण और इनका लेखांकन अंकेक्षण ऑडिट ऑडिट का मतलब होता है इनके खातों की जाँच कैसे होती है तो इन उपक्रमों के खातों की जाँच भी जो है वो सरकारी नियमों के अनुसार होती है सिक्स पॉइंट प्रबंधन एवं जवाबदेही प्रबंधन कौन करता है इनकी मैनेजमेंट जब मंत्री जी के अधीन है तो मंत्रालय द्वारा इनका प्रबंधन होता है जवाबदेही इनको जो जवाबदेही है पार्लियामेंट में ही जवाबदेह होते हैं संसद में जवाबदेही होती है सो इनका प्रबंधन सीधे संबंधित मंत्रालय द्वारा किया जाता है जिस मंत्रालय के अधीन ये काम कर रहे हैं उसके द्वारा इनकी मैनेजमेंट होती है और जहाँ तक जवाबदेही का सवाल है तो ये संसद और मंत्रालय के प्रति जवाबदेह होते हैं जब इनकी इतनी तगड़ी जवाबदेही होती है तो इसलिए थोड़ा गलत काम करने से डरते भी हैं तो इसलिए कुछ नेशनल इंपॉर्टेंस के जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जो कुछ क्षेत्र इम्पॉर्टेंट हैं उनके लिए हमें विभागीय उपक्रमों का सहारा लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है तो हमने विभागीय उपक्रमों की विशेषताएँ है पढ़ी हैं कितनी विशेषताएँ है पढ़ी हैं छह विशेषताएं है पड़ी हैं इनको समेराइज करते हैं एक एक करके विभागीय उपक्रमों की विशेषताओं की समरी करते हैं सबसे पहली विशेषता इनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता ये जो उपक्रम है विभागीय उपक्रम है इनके सिर के ऊपर मंत्रालय बैठा हुआ है तो उपक्रमों का अस्तित्व मंत्रालय के अस्तित्व से अलग नहीं है इट इज नॉट सेपरेट नो सेपरेट लीगल एंटिटी इससे चिपका हुआ है इसके साथ जुड़ा हुआ है उपक्रम और मंत्रालय दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं सेकेंड बजट द्वारा वित्त और बजट में कहाँ से पैसा आता है सरकारी खजाने से तो ये जो पैसा है सरकारी खजाना है और सरकारी खजाने से इन उपक्रमों को पैसा मिलता है तो बजट से इनको उपक्रमों को सरकारी खजाने में से पैसा दिया जाता है तीसरा किसका नियंत्रण होता है इनके ऊपर सर मंत्रालय ने पूरी तरह इनको जकड़ के रखा हुआ है तो इन उपक्रमों पर पूर्णतः मंत्रालय का नियंत्रण होता है तो तीन पॉइंट्स अभी तक हमने डिस्कस किए पहला पॉइंट स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता दूसरा पॉइंट बजट के द्वारा पैसा मिलता है तीसरा किसका नियंत्रण होता है इनके ऊपर मंत्रालय का फोर्थ पॉइंट इसे ड्रॉ ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ये याद करने में हमारी बहुत मदद करते हैं फोर्थ पॉइंट सरकारी कर्मचारी इन उपक्रमों में जो कर्मचारी काम करते देखो कितने खुश खुश हैं क्योंकि काम करते नहीं हैं और पैसा पूरा मिलता है तो इन उपक्रमों के जो कर्मचारी होते हैं उन्हें सरकारी कर्मचारी का जाता है ठप्पा लगा हुआ है इनके ऊपर सरकारी कर्मचारी का कितने खुश हैं नेक्स्ट लेखांकन एंड अंकेक्षण जो इनके खातों की जो जांच होती है वो कौन से नियमों से होती है सरकारी नियमों से तो इनके खातों की जांच सरकारी नियमों के द्वारा होती है एंड लास्ट पॉइंट किसके प्रति जवाबदेह होते हैं कुर्सी के प्रति जवाबदेह होते हैं कुर्सी पर कौन मंत्री जी मंत्री जी मंत्रालय के लिए काम करते हैं तो ये जो उपक्रम है, है ये संगठन है ये मंत्रालय और मंत्री के प्रति जवाबदेह होते हैं संसद में भी इनकी जवाबदेही होती है तो ये विभागीय उपक्रमों की छह विशेषताएं हैं जो हमें याद रखनी है अगली वीडियो में हम विभागीय उपक्रमों के लाभ और दोषों को डिस्कस करेंगे कुछ फ़ायदा है ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन रेलवे सबके बारे में इनके फायदे और नुकसानों के बारे में सोचिए अभी डिस्कस करते हैं अगली वीडियो में